वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की, जो कि है बाय फीस्टीज। मैंने ये नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन कॉम्बो बाय किया है, जो कि है वेज पुलाव और शाही पनीर। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट नॉर्थ इंडियन कॉम्बो विच आई कैन हैव। एंड रेडी टू ईट की बात करें तो आजकल टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार हम इतने ज़्यादा अपने टास्क में इन्वॉल्व होते हैं कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, या हम कभी अपनी जॉब में होते हैं एंड यू कम बैक लेट एंड देन वी आर नॉट एबल टू कुक फूड। तो उस केस में रेडी टू ईट फूड बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हैंडी आता है। आप बस ये पैकेट्स बाय करके रख लें और जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी हो या आपका खाना बनाने का मन ना करें तो ये रेडी टू ईट हम ईज़िली ले सकते हैं। तो बात करें हम पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ही नीट है, क्लीन है। आई रियली लाइक इट। प्रोडक्ट बहुत अच्छे से विजिबल है। तो यहाँ पे ये वेज पुलाव है और सबसे ख़ास बात फीस्टीज की ये है कि देयर इज़ नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, विच इज़ बेस्ट। तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं खुद को या अपने बच्चों को प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना दे रही हूँ, तो आई कैन बी एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड ऑन दैट फ्रंट। आप बात करें पुलाव की, तो पीछे देख सकते हैं आप, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं। सिंपली जस्ट पुट द कंटेंट्स इन अ माइक्रोवेव डिश और थोड़ा सा पानी डालिए और इसे हीट करिए 3 to 4 minutes के लिए, एंड रेडी टू ईट आपका रेडी हो जाएगा। और ऐसे ही आप जो पाउच है वो बॉइलिंग वाटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली बॉयल इट फॉर 3 to 4 minutes एंड जस्ट हैव योर फूड। और थर्ड ऑप्शन है कि हम फ्राइंग पैन में भी इसको गर्म कर सकते हैं। तो यू सिंपली नीड टू जस्ट हीट इट एंड ईट इट, जस्ट हीट इट फॉर 3 to 4 minutes और यू आर डन। सो इट इज़ दैट सिंपल टू मेक दिस। ये एक पैकेट जो मैंने वेज पुलाव का लिया है, दिस पैकेट कैन सर्व 1 to 2 person। और स्पाइस मीटर भी यहाँ पे मैंशन है, मीडियम स्पाइस। तो आई एम श्योर स्पाइसेस ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, बट वी विल टेस्ट इट एंड आई विल लेट यू नो। सारी और पैकेजिंग डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स। ये 500 ग्राम का पैकेज है जिसका MRP है 175 rupees। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट देर इज़ नो नीड टू रेफ्रिजरेट इट, यू कैन जस्ट सिंपली स्टोर इट एट रूम टेम्परेचर एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू कंज्यूम इट आप इसे सिंपली बस गर्म कीजिए 3 to 4 minutes के लिए और इसे हम खा सकते हैं। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं शाही पनीर का पैकेट है, देखने में पिक्चर से ही बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और सेम ही तरीके से हम इसको भी फ्राइंग पैन में, माइक्रोवेव में, बॉइलिंग वाटर में हम इसे बना सकते हैं। ये 300 ग्राम का पैकेज है जिसका MRP है 175 rupees। तो आइए अब इन दोनों चीज़ों को हम खोलते हैं और इन्हें हम हीट करते हैं। सो दिस इज़ माय वेज पुलाव। तो ये है हमारा वेज पुलाव और शाही पनीर। आइए इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये है हमारा वेज पुलाव और ये है शाही पनीर। अब जैसे कि पैकेट पे लिखा है, मैं इसमें 2 to 3 teaspoons पानी डाल दूँगी। आई थिंक शाही पनीर में ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। एंड नाउ आई विल जस्ट माइक्रोवेव इट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वेज पुलाव और शाही पनीर दोनों माइक्रोवेव कर लिया है। ये बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब करते हैं हम इसे टेस्ट। देखने में तो पुलाव काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। वेजिटेबल्स देखो इसमें सारी हैं, यहाँ पे पीस, कैरेट, आई कैन सी अनियंस, एंड लेट अस टेस्ट इट नाउ। Let me taste it now.
पुलाव में स्पाइस लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स नॉट टू स्पाइसी नॉट टू ब्लैंड। मेरे लिए पुलाव बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल खिले खिले पुलाव है, द पुलाव इज वेरी नाइस। सो लेट मी टेस्ट शाही पनीर। पनीर में भी स्पाइस लेवल मीडियम है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, सो आई वुड जस्ट ऐड लिटिल मोर स्पाइस इनटू इट, बट अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपनी फैमिली को रेडी टू ईट ये मील सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दीज प्रोडक्ट्स, आई हैव शेयर द बेस्ट बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक इट आउट। I hope you liked watching our today's video. Please give us a thumbs up, share our videos with your friends and family, and please subscribe our channel for more such recipes.